तमिलनाडु में पूरा होने वाला है सबसे सीक्रेट मिशन, जो भारत को बना देगा ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर देश। मिशन के लास्ट में किया जाएगा सबसे रिस्की टेस्ट, सफल रहा तो मानव सभ्यता का सबसे भयंकर हथियार आएगा भारत के हाथ। दोस्तों, साल 2014 के बाद से भारत काफी बदल चुका है, और इतना बदल चुका है कि पहले हम हथियारों उनकी तकनीक का इंपोर्ट किया करते थे, आज भारत इन्हें खुद तैयार करता है। स्वदेशी तकनीक से तैयार ये हथियार काफी शक्तिशाली हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों भारत उससे भी आगे निकल करके बहुत कुछ बदल चुका है। भारत को अब परमाणु टाइप और हाइपरसोनिक तकनीक भी छोटी लग चुकी है। तो सवाल ये है कि हाइपरसोनिक तो ऐसी होती है जो किसी भी देश को खाक कर सकती है, इन्हें रोकने का कोई हथियार वास्तव में धरती पर बना ही नहीं है, तो फिर भारत को और क्या चाहिए। तो दोस्तों, यही तो भारत चाहता है कि धरती का कोई भी देश जिस तकनीक के बारे में सोच भी ना पाए, ऐसा धमाका किया जाए, वो भी भारत के जरिए। दोस्तों, भारत की सोच है कि परमाणु हथियारों को छोड़िए, ऐसा हथियार बनाया जाए जो परमाणु हथियारों से लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि असल में ऐसा होने वाला है, और दुनिया में भारत पहला ऐसा मुल्क होगा जो इस अजूबे को साकार करेगा। और दोस्तों, इस मामले में अब बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है कि भारत पिछले 3 से 4 सालों के बीच ऐसा लगातार कर रहा है, और इस हथियार के बन जाने के बाद हम चीन तो क्या, दुनिया के हर देश या फिर यूं कहें कि सारी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ वाला सीन हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, आपको बताता हूँ इस हथियार की ताकत के बारे में, साथ ही इस हथियार पर हो रहे दुनिया के सबसे बड़े सबसे रिस्की मिशन के बारे में, जिसने दुनिया को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि साल 2009 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें धरती के समाप्त होने को दिखाया गया था। दुनिया की तबाही का कारण सूरज से आए सौर तूफानों से धरती के केंद्र में न्यूट्रिनोस की संख्या बढ़ती हुई दिखाई गई थी। दोस्तों, ये तो एक फिल्म थी, लेकिन दोस्तों न्यूट्रिनोस असल में धरती के चुंबक की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और टेक्टोनिक प्लेट्स को भयंकर तरीके से प्रभावित करते हैं, और इस पर किसी भी धातु या फिर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है। दूसरी हैरानी वाली बात यह है कि न्यूट्रिनोस का वजूद ना के बराबर होता है, ये हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ना इन्हें पकड़ा जा सकता है। बस भारत यही करने जा रहा है, इन्हीं न्यूट्रिनोस नाम के ब्रह्मास्त्र को बस में करने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान। भारत लगा हुआ है एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर, जो अगर कामयाब हो गया तो भारत का मुकाबला अमेरिका, रूस, चीन छोड़िए कोई भी नहीं कर पाएगा, और भारत जब चाहेगा तब किसी भी मुल्क को अपने घुटनों तले ला सकेगा। भारत दुनिया का सुपर पावर देश बन जाएगा। तो वास्तव में इसके लिए तमिलनाडु की धरती पर आखिर क्या कुछ हो रहा है, और अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो फिर भारत कैसे हथियार इसके जरिए बना सकता है, दोस्तों ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे ये सीक्रेट मिशन स्टार्ट हो चुका है, और इसको लेकर के भारत सरकार ने पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है। इसमें भारत की बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजीनियर्स इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, पहाड़ियों के नीचे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, ये रहस्यमय सुरंग तमिलनाडु के थेनी जिले में है। यहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट होने वाला है। दोस्तों, मोदी सरकार ने इसके लिए बाकायदा 1500 करोड़ रुपए का बजट भी रिलीज कर दिया है। दोस्तों, भारत के इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर पहुंचा था, उसकी लागत आई थी 615 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1500 करोड़ के जरिए ये बड़ा एक्सपेरिमेंट किस लेवल का होने वाला है। दोस्तों, इस मिशन के बारे में सुनकर के ही अमेरिका, रूस, चीन और यूके के भी कान खड़े हो चुके हैं। यहाँ ऐसी टाइट सिक्योरिटी के दोस्तों इंजाम किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी सर्विलांस, बैरिकेड्स और सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, और कमांडोज की तैनाती हो चुकी है। दोस्तों, भारत के जिस रहस्यमय सुरंग में ये सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है, वो सुरंग बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह की सुरंग स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे लग सकता है कि स्विट्जरलैंड में इस पर काम चल ही रहा था, तो भारत ने इसमें अलग क्या कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत गॉड पार्टिकल्स पर रिसर्च नहीं कर रहा है, भारत रिसर्च कर रहा है न्यूट्रिनो नाम की
पार्टिकल्स के ऊपर। दोस्तों हम जानते हैं कि दुनिया कई चीजों से मिलकर के बनी है, ये सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती हैं, लेकिन वो मटेरियल किससे बना है? ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, इन्हें अणु कहते हैं। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अणु भी कई और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स में अब इससे भी कहीं आगे जाकर के रिसर्च हो रहा है। अब परमाणु के भी मूल कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी मूल कण खोजे जा रहे हैं। इन्हें म्यून, एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है, और इन्हीं में से एक गॉड पार्टिकल भी होता है और एक होता है न्यूट्रिनो। दोस्तों ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी स्टडी कैसे की जाए, ये बड़ी चुनौती होती है। ऐसी चीजों की स्टडी बेहद मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि जिसे ना देखा जा सकता हो, जो पकड़ में भी नहीं आता हो, तो उसकी स्टडी आखिर कैसे की जा सकती है। और दोस्तों इस मामले में आपको बता दूं कि दुनिया को न्यूट्रिनोस का ज्ञान किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही दिया था, यानी भारत ने दिया था। दोस्तों उससे पहले किसी को भी ये मालूम नहीं था कि न्यूट्रिनोस कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। भारत अब इनके बारे में जानकारियां जुटा रहा है और ये सबसे खतरनाक प्रयोग होने वाला है। दोस्तों जिस लंबी सुरंग में भारत न्यूट्रिनोस से जुड़े प्रयोग कर रहा है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक लगाया गया है। दोस्तों इस 50,000 टन के मैग्नेटिक डिटेक्टर की सहायता से न्यूट्रिनोस को एक सीधी रेखा में लाकर के ऑर्गन एटम से टकराया जाएगा। अगर वैज्ञानिक ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे चार्ज पार्टिकल बाहर आएंगे और इसमें कंपन पैदा किया जाना आसान हो जाएगा। इससे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। अब इससे क्या होगा? तो दोस्तों अब जो पदार्थ बनकर के सामने आएगा वो बहुत खतरनाक होगा। इस अनूठे पदार्थ से ऐसे विध्वंसक हथियार बनाए जा सकते हैं जिसे अगर किसी दुश्मन की दिशा में छोड़ दिया जाए तो उसे किसी भी धातु से रोका नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब वो देखा ही नहीं जा सकेगा तो रोकना और पकड़ना दूर की बात होगी। दोस्तों इस मामले में नासा स्पेस साइंटिस्ट लीना बोकिल के मुताबिक जो प्रोटॉन को माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कोलाइड करवाया जाएगा तो फोटोन, मेजोन पैदा होंगे, जिनके ह्रास से हाई एनर्जी वाले न्यूट्रिनोस पैदा होंगे। इसे GZK न्यूट्रिनोस कहा जाएगा और ये पारलौकिक हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस के पक्के सोर्स होंगे। इस हाई एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल अलग अलग तकनीक बनाने में किया जा सकता है। साथ ही इनसे ऐसे हथियार बनाए जा सकते हैं जिनकी कार्ड दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। यानी दोस्तों भारत अगर न्यूट्रिनोस बीम का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है तो दुश्मन खेमे में तबाही ला सकता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनोस नाम के पार्टिकल पर काम हो रहा है उसे पर्यावरणविद और इलाके के लोग किलर पार्टिकल भी कहते हैं। लोगों को डर है कि जब ये लैब शुरू होगी तो क्षेत्र का विनाश कर देगी। इन्हें लगता है कि इनके इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा, और इन लोगों को ये भी लगता है कि न्यूट्रिनोस ऐसे कण हैं जो किसी भी तरह के संहार में सक्षम है। दोस्तों आपको बता दूं कि न्यूट्रिनो बीम का इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है। इस हथियार से किसी भी देश को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में तबाह किया जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रिनोस किसी भी धातु से रोके नहीं जा सकते। लिहाजा दोस्तों भारत इस मामले में अब बहुत आगे बढ़ने वाला है।